गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, AGX निफ्टी अभी माइनस में दिखा रहा है। बहुत कम कम माइनस है, ये 40 पॉइंट के आसपास ये माइनस दिखा रहा है, 40-36। तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा कुछ मार्केट पे खास नहीं पड़ने वाला है। मार्केट नॉर्मली समझ लो कि फ्लैट ही खुलेगा या वही 30-35 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और इसका चार्ट देख सकते हैं, SGX निफ्टी का सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ से। तो चांसेस है कि अगर इसको इस एरिया को अगर ऊपर निकाल करके फिर रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाता है तो यहाँ पे आराम से बाई का अपॉर्चुनिटी दिख सकता है। अभी देखते हैं कि अपना निफ्टी फिफ्टी पे क्या असर पड़ेगा इसका, क्या कंडीशन है इसका। ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है दोस्तों, इसमें मैं 1 घंटे का लगा के देखता हूँ। हाँ, ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये थोड़ा सा ख़रीदारी का जो है कंडीशन तभी बनेगा जब इस एरिया को ये क्रॉस करेगा, यानी कि 18,350 के ऊपर जब तक नहीं क्रॉस करता है तब तक आप बाई ना करें और सेल के लिए अभी ना सोचें, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा मजबूत है। और अपना बैंक निफ्टी का देखते हैं क्या कंडीशन है। बैंक निफ्टी में ये मार्केट उस दिन पॉजिटिव क्लोज दिया था शुक्रवार के दिन, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एकदम हाई लेवल पर जाके इसने क्लोजिंग दिया है। अगर आपको बाई करना है तो बैंक निफ्टी में बाई करें, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, थोड़ा सा इस एरिया में इसको आने दें, इस जोन में थोड़ा सा ये वो नीचे से गिरते हुए आकर के ऊपर जैसे जाना चाहे, एक अच्छा कैंडल बनाए यहाँ पे ग्रीन, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली बाई कर सकते हैं, अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट मिल सकता है आपको। सेल के लिए बिल्कुल ना सोचें, सेल के लिए अभी इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये वाला एरिया, इस एरिया के नीचे जाए तभी आप सेल के लिए सोचें। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।